हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इक्वेशन विजिट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट लेक्चर और आज पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देखिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ अगर छोटी लेंथ है तो बहुत ही आसान है भाई। अगर ये मार्कर को मेजर करना है तो हमारे पास एक स्केल है, इस पूरे रूम को मेजर करना है तो भी हमारे पास एक स्केल है, पूरी बिल्डिंग को मेजर करना है तो भी हमारे पास कोई ना कोई स्केल जरूर है। बट अगर हमें अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना है तो क्या हमारे पास स्केल है? अभी तक तो नहीं है, बट हमारे पास आ गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 ऐसी यूनिट्स लेंथ को मेजर करने की जो बहुत लंबी डिस्टेंस को मेजर करने में हमें हेल्प करने वाली है। और प्यारे बच्चों, ये तीनों फॉर्मूला जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये कई बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ध्यान देना है। बहुत ही आसान है, बहुत सारी भाषा में लिखा भी है और जल्दी से देखते हैं। और देखते हैं पहली यूनिट क्या है हमारी। पहली लेंथ को मेजर करने की, लंबी लेंथ को, लॉन्ग लेंथ को मेजर करने की यूनिट है एस्ट्रोनॉमियल यूनिट, जिसको कहा गया AU। अब एस्ट्रोनॉमियल यूनिट है तो कोई ना कोई अर्थ सन इन सब की बातें हो रही होंगी, जाहिर सी बात है। तो हमने कहा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अ यूनिट और इज अ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अब हमें अगर अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को निकालना है तो हम कहीं अपना वो नॉर्मल स्केल ले जाके तो नापेंगे नहीं। वी नीड टू हैव सच काइंड ऑफ मेजरमेंट यूनिट विच कैन इजीली मेजर। तो हमने निकाला AU इज इक्वल टू 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर। समझ पा रहे हो कितना बड़ा है? अरे भैया, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को हम नापने का सोच भी नहीं सकते थे, बस साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया और एक मैथमेटिकल डेटा निकाला कि हम नाप सकते हैं। और जो हमारा इजी डिवाइस है नापने का वो क्या है? मीटर, मीटर ही तो है। तो मीटर की फॉर्म में अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को लिख दिया 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। और अगर इसे हमें किलोमीटर लिखना हो तो क्या होगा? 1.496 10 टू द पावर क्या हो जाएगी? मीटर से 3 कम, यानी कि 8 किलोमीटर। ठीक है बेटा, अगली यूनिट देखो क्या है, लाइट ईयर। अब लाइट ईयर बच्चे देख के कहने लगते हैं कभी कभी, सर ये तो लाइट की यूनिट है। नहीं, ये भी हमारी लेंथ को ही मेजर करने की यूनिट है, लेकिन है क्या, जल्दी से देखो। Equal to the distance traveled by light in 1 year. मतलब एक जो हमारी लाइट की रे है वो पूरे साल में कितना घूम रही है, उस यूनिट को बोल रहे हैं हम लाइट ईयर। लाइट की स्पीड से चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की एक रे जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है वो पूरे साल में कितना चली, उसको बोल रहे हैं हम लाइट ईयर। अरे समझ पा रहे हो कितनी बड़ी बात है? मतलब एक रे पूरे साल घूम रही है लगातार अर्थ पे। इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year, एक लाइट द्वारा इस स्पीड से पूरे साल में चलकर उसने जितने डिस्टेंस ट्रेवल करी उसको बोला लाइट ईयर। कैसे नोटिफाई किया? स्मॉल एल एंड स्मॉल वाई। और क्या वैल्यू निकल गया है मीटर में? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। बेटा पावर बढ़ रही है लगातार, पहले 11 थी 15 हो गई, ये थोड़ी इससे छोटी है बट ये इससे भी बड़ी। लास्ट क्या निकल कर आई? पैरालेटिक सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पार सेकेंड। ये क्या बोला है जरा देखो इसको। इट इज अ डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस अर्थ ऑफ अर्थ ऑर्बिट सब्सटेंस टू एन एंगल ऑफ 1 arc second। मतलब ये एक एवरेज डिस्टेंस है जिसमें हमारा अर्थ का जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस एक सब्टेंड करेगी। अगर सपोज यहां पर है अर्थ की ऑर्बिट तो 1 second बाद वो कितना चली है, 1 second बाद एन एंगल ऑफ 1 arc second, 1 arc second में कितना चेंज हुआ उसको बोला हमने पार सेकेंड। पार सेकेंड की वैल्यू कितनी निकल कर आती है? 1 pars second इज 3.08 10 टू द पावर 16 मीटर। ये एवरेज वैल्यू, पहली बात पे समझो। इट इज अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है बीच वाली। इट इज एन एवरेज व्हिच इज एन एवरेज रेडियस, एक एवरेज रेडियस है यहां से यहां तक जाने वाली। एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट
सब्सटेंस बाय एन एंगल ऑफ वन आर्क सेकंड, एक आर्क सेकंड में जितना चली उसको बोला हमने पारसेक। एक सेकंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेकंड से पहले आता है एक मिनट, एक मिनट क्या होगा हमारा डिग्री का 60वां हिस्सा। अगर हम घड़ी बना लें तो हमारी घड़ी में एक मिनट को क्या बोलते हैं, जितना वो 60 सेकंड में चलेगा या 60 मिनट में चला उसका 1/60। अरे भाई बनाओ फटाफट से वॉच, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। इस पूरे में, इस पूरी घड़ी के लिए मिनट की सुई 60 मिनट चलेगी, एक का कितना हुआ 1/60 डिग्री, एक मिनट में कितना चली 60 का 1/60 डिग्री, और एक सेकंड में कितना चलेगी जितना एक 60th सेकंड में मिनट में चलेगी, तो 1/60 विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 सेकंड। डबल डैश को हम फिजिक्स में हमेशा सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल डैश को हमेशा हम मिनट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा आगे देखते हैं, चलिए जल्दी से देखते हैं हमारी मेजरमेंट ऑफ लेंथ की शॉर्ट यूनिट्स। अभी हमने अपनी बहुत बड़ी मेजरिंग यूनिट्स को तो देख लिया, अब हम बहुत छोटी वाली यूनिट्स को देखते हैं, और बेटा ये बहुत ही ज्यादा फिजिक्स में यूज होने वाली है। कई बार लिखा होगा 1 माइक्रोन, सबने सुनेंगे आने वाले फिजिक्स के एक या दो सालों में कई बार आप सुनोगे 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10^-6 मीटर। ठीक है ये याद कर लो, ये बुक में नहीं मिलेगी, कहीं मिलेगी भी तो इतनी सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं मिलेगा, इसलिए अभी कह रहा हूं अगर कहीं पे न्यूमेरिकल में लिखा है नैनो और सपोज लिखा है 10 नैनो, तो 10 नैनो कितने मीटर के इक्वल हो गया 10^-9 मीटर के, याद रहेगी ये बात। अगला आता है पीको, मतलब 10^-12, 2 पीको विल बी इक्वल टू कितना हुआ 2 10^-12 मीटर, याद रहेगा। फिर आया 1 फर्मी, 1 फर्मी विल बी इक्वल टू 10^-15 सबसे छोटी। देन लास्ट आती है 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं हम इस नाम से, ए के ऊपर डॉट, लिखा हो कहीं पे 100 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल 100 × 10^ कितना है -10 मीटर, बिल्कुल याद कर लो। 20 एंगस्ट्रॉम कितना हुआ 20 × 10^-10 मीटर। ठीक है बेटा वी हैव अंडरस्टूड शॉर्ट यूनिट्स आल्सो इन मीटर, याद रहेंगी माइक्रो नैनो पीको फर्मी एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं पैरेलेक्स मेथड, चलिए जल्दी से देखते हैं पैरेलेक्स मेथड के बारे में। बट पैरेलेक्स मेथड तो हमारी बहुत लार्ज डिस्टेंस को कवर करने में यूज होगा। वैसे लेंथ ऑफ मेजरमेंट के 2 मेथड हैं, पहला लिखा मैंने डायरेक्ट और दूसरा लिखा इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, देखो डायरेक्ट मेथड उसको बोलते हैं जिसके दोनों सिरे हमें पता हो, मुझे सपोज यहां से यहां तक नापना है और मुझे पता है दोनों सिरे यहां पर है, मतलब उसके दोनों एंड स्टार्टिंग एंड और एंडिंग पॉइंट का एंड मुझे पता है, सपोज ये मार्कर है, मुझे पता है मार्कर यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से खत्म हो रहा है, तो अगर मार्कर यहीं से स्टार्ट होगा यहीं से खत्म हो रहा है तो मुझे पता है उसे कितना नापना है, तो उसका डायरेक्ट मेथड है। और अगर हमें पता ही नहीं है कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां से खत्म हो रहा है तो उसको नापने के लिए यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है लेंथ को मेजर करने के 2 मेथड है बेटा, पहला हुआ डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। अगर किसी भी वस्तु के किसी भी एलिमेंट के किसी भी मैटर के दोनों सिरे पता है जैसे इस मार्कर के पता है तो हमने उसे नाप लिया फ्रंट से लेंथ एंड लास्ट एंड तक, उसको बोल दिया हमने डायरेक्ट मेथड मेजरमेंट ऑफ मार्कर। जैसे हमें सपोज आपकी लेंथ को मेजर करना है तुम्हें पता है आप कितने बड़े हो ऊपर से नीचे तक खड़े हो और नाप लिया, लेकिन अगर हमें माउंटेन को नापना है कितना बड़ा है तो कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल सकते ना किसी स्केल से, बट उसका भी कोई ना कोई स्केल होता है, बट उस प्रोसेस को जिसमें हम माउंटेन को मेजर करेंगे ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता ना तो हमें एंड पॉइंट पता, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है अब इनडायरेक्ट मेथड का पहला एग्जाम्पल है पैरेलेक्स मेथड। पैरेलेक्स मेथड समझने के लिए सब लोग अपने पेपर पर एक डॉट बना लीजिए, तुरंत बना लिया। अब इस डॉट को अपनी एक आंख बंद करके सपोज ये वाली आंख बंद करिए और देखिए, जब आप देखेंगे तो आपको यहां से कुछ यहां भी दिखाई देगा,
कितनी डिस्टेंस पे, ठीक है? फिर से बता दें, अपने पेज पे या बोर्ड पे एक डॉट बनाया, इस डॉट को देखने के लिए अपनी एक आंख को बंद किया, जब एक आंख को बंद किया तो वो हमें कुछ इस डिस्टेंस पे दिखाई दिया। अब क्या किया, जिस आंख को बंद किया था उसको खोल दीजिए और जिसको खोला रखा था उसको बंद कर दीजिए। अगर लेफ्ट ओपन थी तो लेफ्ट को क्लोज कर दीजिए, राइट को ओपन कर दीजिए, और अगर राइट क्लोज थी तो राइट को क्लोज करके लेफ्ट को ओपन कर दीजिए। तो जब हम दूसरी आंख खोलेंगे तो हमें कुछ यहां डिस्टेंस पे दिखाई देगा। बात समझ में आई? फिर से बता देते हैं, हमने एक डॉट बनाया, उस डॉट को मेजर करने के लिए, उस डॉट को देखने के लिए वो कितना दूर है, हमने एक आंख बंद करी तो हमें कुछ ऐसी दूर, इतना दूर दिखाई दिया। फिर दूसरी आंख जो बंद करी थी उसको खोल दिया, जो बंद थी उसे खोल कर और जो खुली थी उसे बंद करके देखा तो यहां पे दिखाई दिया। ये बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए, तो पता लगा यार इन दोनों के बीच में तो बहुत बड़ी डिस्टेंस है ना। अब इसको कैसे मेजर करेंगे, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी की डिस्टेंस को स्मॉल बी बोल दें, ये तो हमें पता ही है। और ऐसा होगा क्यों, क्यों होता है ऐसा? जब हम एक पॉइंट बनाकर एक आंख बंद करके इसको देखते हैं और उस दूसरी आंख बंद कर फिर इसको देखते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस क्यों आती है, क्योंकि दोनों आंख के बीच में डिस्टेंस है, दोनों आंख एक पॉइंट पे थोड़ी है, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है ना। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है जिसकी वजह से हमारा इमेज एक पॉइंट पे जाके बन रही है, उस दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने बोला बी, ठीक, और इसको बोला हमने थीटा। तो एंगल क्या हुआ, एंगल बिटवीन दीज पॉइंट इज थीटा। तो आर्क निकालने के लिए आर्क अपॉन रेडियस कितनी है, बी हो गई बी। देन आर्क विल बी, अगर हम आर्क को इधर ले जाए, अगर हम आर्क निकालते, सॉरी, तो एंगल कितना है हमारा थीटा, आर्क कितनी हुई है आर्क ए बी, या बोल दिया स्मॉल बी डिवाइड बाय रेडियस। और अब हमें रेडियस निकालनी हो तो क्या लिख सकते हैं, रेडियस विल बी इक्वल टू यहां चले जाएगी, नीचे आ जाएगा ए बी या फिर स्मॉल बी डिवाइड बाय थीटा। तो पैरेलेक्स मेथड ने कहा कि अगर बहुत दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको आप देख पा रहे हैं बहुत दूर से, तो दो पॉइंट बनाइए, उनके बीच की डिस्टेंस है बी, उसको दोनों के बीच वाले एंगल से कर दीजिए डिवाइड एंड यू विल फाइंड द लेंथ ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं अपने इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है पैरेलेक्स मेथड, उस केस में जब हम बहुत दूर है, इन वेरी फार अवे केसेस। मैंने बताया प्यारे बच्चों, हम पैरेलेक्स मेथड कब यूज कर रहे हैं, हम पैरेलेक्स मेथड तब यूज कर रहे हैं जब हम अर्थ से प्लेनेट की डिस्टेंस, अर्थ से स्टार की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यानी कि बहुत लार्ज डिस्टेंस के फॉर्म में वी आर गोइंग टू यूज पैरेलेक्स मेथड। और अभी अपने देखा, हमने फार अवे के केस में हमने निकाला, एक आंख को बंद किया, दूसरी को खोला, दूसरी को बंद किया, पहली को खोला, और जाना कि दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि हमारे दोनों के आंख के बीच में भी कुछ डिस्टेंस है। अब देखते हैं वेरी फार अवे के केस में क्या होगा। हमने देखा बहुत दूर एक पॉइंट बनाया और बहुत दूर पॉइंट बनाकर अर्थ से वैसे ही एक आंख को बंद किया तो हमें यहां से यहां दिखाई दिया इतना दूर। और जब ये अर्थ जो सन के चारों ओर घूम रही है, जब वो घूमेगी इस तरीके से, तो कुछ समय घूमने के बाद, कुछ साल, 6 महीना, 10 दिन, 20 दिन, कितने समय घूमने के बाद वो एक और पॉइंट से हमने देखने की कोशिश करी तो हमें यहां से कुछ ऐसा दिखाई दिया। अगर हम बहुत फार अवे की बात करें तो कुछ ऐसी जाएगी लाइन, है ना, सीधी नहीं बनी, दोबारा बनाते हैं, कुछ इस केस में ऐसी स्ट्रेट लाइन जाएगी है, ठीक। और अगर यहां से देखें तो यहां से भी लाइन कुछ इस तरीके की जाएगी, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं, हमने एक पॉइंट विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, एक्सट्रीमली फार, बहुत दूर है, वहां से हमने अर्थ के कोने में खड़े होकर इस पॉइंट को देखा तो हमें ये इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक। इसी पॉइंट को अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रही है, घूमने के बाद कुछ साल 6 महीने के बाद जब इस पॉइंट से देखा तो हमें कहीं यहां जाता हुआ दिखाई दिया, तो हमें इस पॉइंट की कोई इमेज नहीं बन पाई, तो हम थोड़ा सा नीचे आ गए, हम आ गए फार अवे के केस में। दिस इज अ पॉइंट ऑफ फार अवे एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ वेरी फार अवे, वेरी वेरी फार अवे,
ये और भी ज्यादा दूर की बात कर रहे हैं। ठीक, अब इस पॉइंट का यानी कि फार अवे का इस पॉइंट से बीच में बनाने वाला एंगल को हमने बोला थीटा वन। बात आई समझ में? जो फार अवे है वो वेरी फार अवे की लाइन के साथ थीटा वन एंगल बना रहा है, और ये फार अवे इस दूसरे के साथ थीटा टू एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये दूसरे फार अवे अगर हम अर्थ के दूसरे पॉइंट पर आ जाएं तो यहां से एंगल बन रहा है थीटा टू। मैथमेटिक्स में सबने पढ़ा है, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से यहां जोड़ दूं, सन के बीच में से निकाल दें और ये निकालें, तो अगर ये थीटा वन है तो ये भी थीटा वन होगा, और अगर ये थीटा टू है तो ये भी थीटा टू होगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। फिर से बता दूं, हमारा सन के चारों तरफ घूम रही है अर्थ, अर्थ से बहुत एक्सट्रीमली दूर एक पॉइंट है, वो जो दूर भी ऐसे जा रहा है उससे कुछ नीचे हमने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट को बोला फार अवे। दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली फार अवे। इस पॉइंट जो एक्सट्रीमली फार अवे है उसके बीच में बना एंगल थीटा वन। एंगल बिटवीन फार अवे एंड वेरी फार अवे। ओके, फार अवे और वेरी फार अवे के बीच का एंगल बना हमारा थीटा वन। तो हमारा टोटल पैरेलेक्स एंगल कितना हो गया? पैरेलेक्स एंगल हो गया हमारा थीटा वन प्लस थीटा टू। चलिए देखते हैं हमारा पैरेलेक्स एंगल क्या हुआ। हमारा पैरेलेक्स एंगल हुआ थीटा वन प्लस थीटा टू। हमारा आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है? सबको पता है, आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू चेंज इन एंगल। अब यहां एंगल कितना हो गया? थीटा वन प्लस थीटा टू। और आर्क कितनी हुई? ये डिस्टेंस कितनी है? सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या पढ़ा था? 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये कितनी हुई? 1 more AU। ये एक AU और ये एक और AU, तो दोनों तरीका मिलकर वन बन गया। दोनों मिलकर क्या बना? 2 AU डिवाइड बाय रेडियस। तो कोई रेडियस निकाले तो लिख सकते हैं आप, विल बी इक्वल टू 2 AU डिवाइड बाय थीटा वन प्लस थीटा टू। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा पैरेलेक्स एंगल का फॉर्मूला इन वेरी लार्ज केसेस, जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर हो। तो आई होप दिस लेक्चर मस्ट बी अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। इफ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चन, डू नॉट वरी एट ऑल, राइट अस ऑन आवर फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज, और प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे एट योर